व्यूअर्स, आज हम रिव्यू लेके हैं कैनवुड के ऐसे एसी का। अगर आपकी कोई बात नहीं सुनता तो ये वाहिद एसी है जो आपकी पूरी बात और मुकम्मल बात सुनेगा। ये लग्जरी एसी है जो कि 75% सेविंग में आपको देता है, जिससे आसान अल्फाज में मतलब ये बनता है अगर आपका घर का बिल 10,000 रुपये आ रहा है तो इसको लगाने के बाद आपका घर का बिल सिर्फ 2500 आएगा। और इसके अलावा इसमें आपको यूवी लाइट मिल जाती है, यानी कि एंटी बैक्टीरिया आपके रूम में जो बैक्टीरिया है उसको ये किल करेगा। 75% ये आपको एनर्जी सेवर मिल जाता है, और उसके अलावा ब्लैक कलर की बॉडी में मिल जाता है। और हमेशा की तरह हमारी वीडियो बनाने का मकसद किसी भी प्रोडक्ट के दीफना नहीं होता, बल्कि इसकी खूबियाँ और खामियाँ आपके पास लाना होता है ताकि आपको परचेजिंग में आसानी हो सके। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहें। कर लेते इसके फीचर की, तो ये आपको 75% एनर्जी सेवर में मिल जाता है। आप देख सकते हैं जिसके है ना, तो आप कोई भी ब्रांड लेते हैं तो उसमें 75% और 60% या 50% वो आपकी बिजली सेविंग करता है। अगर आउटसाइड टेम्परेचर 50C है तो ये तभी बहुत अच्छा काम करेगा। T1 इसमें कंप्रेसर आपको मिल जाता है, यूवी लाइट मिल जाती है जो कि आपके रूम में जो बैक्टीरिया होते हैं और जम्स होते हैं उसको किल करेगा। कंप्रेसर की बात कर लें तो कंप्रेसर इसमें आपको T1 मिल जाता है। प्राइस की बात कर लें तो इसकी जो मार्केट प्राइस है, जब तक ये वीडियो बन रही है वो 182,000 है, जो कि तमाम एसी के जो प्राइस है वो एक्सटेंड हो चुकी है। उसके अलावा वॉइस कमांड इसमें आपको मिल जाता है, इसमें आप कोई भी जो वर्ड बोलेंगे 26 बोलेंगे तो ये 26 पे कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आप मोड बोलेंगे तो ये मोड पे कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसे बोल के कोई भी जो मोड है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी किट की बात कर लें तो इसकी किट की वारंटी जो है वो 4 साल मिल जाती है, जो कि कंप्रेसर के पास सबसे एक्सपेंसिव चीज़ होती है। फ्लिप की बात कर लें तो फ्लिप इसमें आपको सिंगल मिल जाती है, जिसको आप 3 डायरेक्शन 1, 2 और 3 में सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट जो कि रिमोट से आसानी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एलईडी की बात कर लें तो एलईडी इसकी आपको राइट साइड पर मिल जाती है, और काफ़ी बड़ी एलईडी है जिसको आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं अगर आपको इरिटेट करती है। कलर की बात कर लें तो कलर इसमें आपको ब्लैक मिल जाता है। वाइपरेटर की बात कर लें तो इसका जो वाइपरेटर है वो आपको गोल्डन कलर की फिंजर के साथ मिल जाता है, और हर एसी की तरह इसमें आपको ऑटो सेल्फ क्लीन का फीचर मिल जाता है। करना आपने ये है, इसके रिमोट पर एक बटन आता है, उस बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो उसके इंडोर वाइपरेटर पर बर्फ़ फ्रीज होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही वो बर्फ़ मेल्ट होगी तो आपका इंडोर वाइपरेटर जो है ऑटो नीट एंड क्लीन होगा। लेकिन इसके जो फिल्टर हैं वो आपको मैन्युअली वॉश करने पड़ेंगे, और उसको आपको सालाना सर्विस भी करवानी पड़ेगी। आप देख सकते हैं इसका जो वाइपरेटर है वो गोल्डन कलर की फिंजर के साथ मिल जाता है, और उसके बाद इसकी जो एलईडी है वो आपको राइट साइड पर मिल जाती है, और इस साइड पर आपको इसका स्पीकर मिल जाता है इसको, जो कि वॉइस कमांड ऑर्डर देता है। इसके अलावा मुकम्मल डीसी इन्वर्टर है, जिसे 4 DC भी कहा जाता है। इसी एसी को आप बतौर हीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर में, ऑफिस में, जहां आप चाहें, लेकिन ये आपके उतने ही एम्पेयर लेगा जितने कूलिंग में ले रहा है। 1.1 इसकी एम्पेयर एवरेज बनती है, और अगर आप इसे हीटिंग पे चलाते हैं तो इसकी जो एम्पेयर एवरेज है वो भी 1.1 बनती है, जो कि काफ़ी अच्छी और काफ़ी बेहतर एवरेज है। एम्पेयर की बात कर लें तो इसके जो स्टार्टिंग एम्पेयर है वो 4.1 है, और इसके अलावा इसकी रनिंग एम्पेयर की बात कर लें तो इसकी जो रनिंग एम्पेयर है वो 1.1 है। अब बात कर लेते हैं इसके SWR की, तो इसका जो SWR है वो 3.9 है, उसकी एम्पेयर एवरेज बनती है वो 1.1 बनती है, जिसको आप UPS पे भी चला सकते हैं बशर्ते UPS 1000 वाट का हो। उसको आप सोलर पैनल पे भी चला सकते हैं बशर्ते सोलर पैनल 1500 वाट का हो। इसको आप जनरेटर मोड पे भी चला सकते हैं बशर्ते जनरेटर 5 kV का हो। और इसके अलावा इसकी एसेसरीज की बात कर लें तो इसके साथ एक अदर रिमोट मिल जाता है, एक अदर वॉल ब्रैकेट मिल जाती है जिसपे इंडोर हैंग होता है, और इसके अलावा इसके साथ जो पाइप आता है वो 10 फीट आता है, जो कि 100% कॉपर में आता है। कंप्रेसर की बात कर लें तो T1 इसमें कंप्रेसर मिल जाता है, और इसका जो आप इंडोर साइज देख सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। बॉडी की बात कर लें तो बॉडी इसकी आपको ब्लैक कलर में मिल जाती है, और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे ग्राफिक इसमें आपको मिल जाते हैं, और सबसे अच्छी बात है ये जो कलर है एंटीक सा कलर, जबकि जो बहुत सारी कंपनियां वो आपको वाइट कलर देती हैं या गोल्डन कलर देती हैं, लेकिन इसमें आपको ब्लैक कलर मिल जाता है। ये कैनवुड कंपनी का लेटेस्ट मॉडल है, जो कि सन 2022 में लॉन्च हुआ था, और अगर कोई दुकानदार आपको ये कहे कि ये इस साल लॉन्च हुआ तो सरासर गलत बयानी होगी। इसके अलावा इसमें आपको वाईफाई भी मिल जाता है, करना आपने ये है कि आपके घर के जो राउटर है उसे कनेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं इसी कब ऑन हुआ था और कितने एम पे ले रहा है। लेकिन उससे पहले आपको कैनवुड की एक प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो कि प्ले स्टोर से कैनवुड के नाम से होगी। अब बात कर लेते हैं इसकी एम्पेयर एवरेज की, तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी एम्पेयर एवरेज बहुत अच्छी हो तो करना आपने यह है, इसका राउटर वो आपने कोशिश करनी है कि 6 में लगाना है। कंप्रेसर की बात करें तो कंप्रेसर इसमें T1 मिल जाता है, और इसके अलावा ई लग्जरी मॉडल आप देख सकते हैं, ई लग्जरी मॉडल इसको कहते हैं। बॉडी की बात करें तो बॉडी इसमें आपको ब्लैक मिल जाती है। एम्पेयर एवरेज की बात करें तो एम्पेयर एवरेज भी बहुत बेहतर है, उसके अलावा 75% एनर्जी सेवर मिल जाता है। कि गैस की बात कर लें तो इसमें जो गैस है वो 410 मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी फास्ट वर्किंग करती है। इसके अलावा कंप्रेसर जो है वो आपको T1 मिल जाता है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहें।